हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग कॉर्नर। बैंकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक हाई लेवल मेंस पजल लेके आया हूँ, जो कि आने वाले आरबीआई असिस्टेंट मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस में पूछा जा सकता है। गाइस, ये क्वेश्चन मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है, जिसका सोल्यूशन मैं अभी आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा पजल है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8 persons P Q R S T U V W were born in different years in the 20th century and lived for different years among 26, 37, 40, 43, 44, 48, 50, 57. Note: Years of living is the difference between the years of death and the years of birth. ठीक है। R was born in 1980 and lived 11 years less than the one who died in 1972. R died 17 years after W, who lived the most number of years. S was born 2 years before W. P died in 1989 and 4 years after S. S lived less than 50 years. P was born after 1951. T was born in 1919 and lived for more than 43 years. V died 30 years after T, but V doesn't live for 43 years. Q doesn't live for 48 years, but was born in 1923. तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पर 8 persons दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में बॉर्न हुए हैं वो, और डिफरेंट डिफरेंट साल तक वो मतलब उन्होंने लिव किया है। ठीक है, कोई 26 साल तक रहा, मतलब जैसे अगर कोई 1980 में पैदा हुआ है तो वो 26 साल रहा, मतलब 1980 प्लस 26 यानी 2006 तक वो जिंदा रहा, 2006 में वो मर गया तो उसने 26 साल जिया। उसी तरह वही ये कह रहा है कि ईयर्स ऑफ लिविंग इज डिफरेंस बिटवीन द डेथ, ईयर ऑफ डेथ एंड ईयर ऑफ बर्थ। जो उसकी ईयर ऑफ बर्थ होगी और ईयर ऑफ डेथ होगी, उनका डिफरेंस क्या होगा? ईयर ऑफ लिविंग होगा। ठीक है, तो अब आइए, अब इसमें जो जो सर्टेन चीजें दी हुई है ना, वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे आर वॉज बॉर्न इन 1980, अब आर इधर है, 1980 में बॉर्न हुआ था, तो आर वॉज बॉर्न इन 1980। ठीक है, 11 years less than the one who died in 97, ठीक है, R died 17 years after, ठीक है, S was born 2 years, P died in 1989, ठीक है, P was born after 1990, T was born in 1919, and lived for more than 43 years, V died 30 years after T, V doesn't live for 43, Q doesn't live for 48 years, and but was born in 1923, Q was born in 1923, तो ये हमारी सारी सर्टेन चीजें हो गई। अब देखिए, आपको यहाँ पर यहां से हम पजल को शुरू कर देते हैं कि आर वॉज बॉर्न इन 1980 एंड लिव्ड 11 ईयर्स लेस देन द वन हु डाइड इन 1972, मतलब वो 11 साल कम जिया है 1972 में डाई करने वाले से। तो लिव जितने साल कौन पर्सन लिव किया वो यहां पर आपको दिया हुआ है, तो इनमें देखिए 11 साल का डिफरेंस इनके बीच में है। तो ये 26 37 11 हो गया, 37 40 नहीं, 37 43 नहीं, 37 44 नहीं, 37 48 ये दो हो गए, और किसी के बीच में है क्या? 40 प्लस 11 51 नहीं है ऐसा कुछ, 43 प्लस 11 54 नहीं है ऐसा कुछ, 44 प्लस 11 55 नहीं है ऐसा कुछ, 48 प्लस 11 नहीं है ऐसा कुछ। तो दो ही कंडीशन बन रही है, या तो हम लेंगे कि 26, 37, ठीक है, इसके लिए आर के लिए 11 ईयर्स लेस देन द वन हु डाइड इन 1972। तो 26, 37 मतलब आर का 26 हो गया और जो 1972 में डाई किया उसका 37 साल तक वो लिव्ड। ठीक है, ये लिव्ड का है। तो अब हम ले लेते हैं कि आर को हम 26 इयर्स कर लेते हैं कि वो 26 इयर्स तक लिव किया, सॉरी 26, तो 1980 प्लस 26, क्योंकि इयर्स ऑफ लिविंग इज द डिफरेंस बिटवीन द डेथ एंड द ईयर ऑफ बर्थ, प्लस 26 करेंगे तो 2006 हो जाएगा ये। ठीक है, ओके, अब ये वाला हम अभी याद कर रखते कि जो 37 साल लिव किया उसका 1972 में डेथ होगा। चलिए, अब आर से रिलेटेड और कुछ है क्या? आर डाइड 17 ईयर्स आफ्टर डब्ल्यू, हु लिव्ड द मोस्ट नंबर ऑफ ईयर्स। अब डब्ल्यू ने मोस्ट नंबर ऑफ ईयर्स लिव किया, मतलब कितना? 57। आर डाइड, क्या लिखा था? 17 ईयर्स आफ्टर डब्ल्यू। ठीक है, तो 2006 में ये डाई किया आर, तो 17 साल पहले ये किया होगा, तो 2006 में से हम 17 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो
हजार छः में से 6 घटाया तो 2010 घटाया तो 1990 एक और तो 1989 हो गया, ठीक है, सॉरी इसका नहीं, डब्लू के लिए 1989 हो गया कि ये 1989 में डाई किया होगा, ठीक है। अब क्या लिखा है, अब यहां पर दिया कि 57 इयर्स लिव किया है, तो 1989 माइनस 57 करना पड़ेगा, 89 माइनस 57 कर सकते हैं, 19 तो लग जाएगा, 9 में 7 8 में 5, 1932 में ये बॉर्न हुआ होगा। कोई कर रहा है हाँ, तो ये 1932 में बॉर्न हुआ होगा, ठीक है। अब क्या दिया है, डब्ल्यू से रिलेटेड कुछ है क्या? हाँ, तो एस वॉज बॉर्न 2 ईयर्स बिफोर डब्ल्यू, तो 1930 हो गया, ठीक है, ओके। एस लिव लेट देन लेस देन 50 ईयर्स, ठीक है। पी वॉज बॉर्न आफ्टर, ठीक है। टी वॉज बॉर्न इन 1990 एंड लिव मोर देन, हाँ। तो अब एस लिव लेस देन 50 ईयर्स, टी वॉज बॉर्न इन 99 एंड लिव फॉर मोर देन, बी डाइड 30 ईयर्स आफ्टर टी, बी डजंट लिव फॉर 43, क्यू डजंट लिव फॉर 48 ईयर, बट वॉज बॉर्न इन 1923, ठीक है। हु लिव्ड द मोस्ट नंबर ऑफ ईयर्स, एस वॉज बॉर्न 2 ईयर्स बिफोर पी, डाइड इन 99 एंड 4 ईयर्स आफ्टर एस, पी डाइड इन 1989 4 ईयर्स आफ्टर एस, मतलब तो एस कब डाई किया हुआ 1985 में, ठीक है, 4 ईयर्स बिफोर होना चाहिए अगर पी आफ्टर है तो अब इसका हम देखेंगे तो ये हमारा 55 ईयर्स हो जाएगा लिव किया है, 30 प्लस 80 55, पर यहाँ पर हमें एक भी 55 ऑप्शन में ही नहीं है कि लिव किया, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर गलत हो गई। जो हमने ये लिया कि आर का 26 होगा और जो 37 1972 वाला वो 37 ईयर लिव किया, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत होगी। अब बची कौन सी, कि हमें आर को 37 लेना होगा और जो 1972 में डाई किया उसको 48 लेना होगा, ठीक है, ये हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हाँ, तो अब हमें आर को क्या लेना होगा, पहले तो हम जो शॉर्ट है वो लिख लेते हैं। हाँ, तो अब हमें आर को कितना लेना होगा कि वो 20 आर, तो हमें अब क्या लेना होगा 37 और 48, ये आर के लिए हो गया, ये 1972 में डाई करने वाले के लिए हो गया। तो आर को 37 ईयर्स अगर हम देंगे लिव का, तो 1980 प्लस 37 कितना हो गया, 2017 20 30, हाँ 17। तो और क्या लिखा है कि, हाँ यहाँ पर क्या था कि एस पी डाइड 1989 एंड 4 ईयर्स आफ्टर एस, तो एस का कितना हो गया 1985, ठीक है। अब डब्ल्यू से रिलेटेड एक था ना कि आर डाइड 17 ईयर्स आफ्टर डब्ल्यू, तो मतलब इससे आर 17 साल पहले इसको करना पड़ेगा, तो ये 2000 में डाई किया होगा, 2000 में डाई किया और 57 ईयर्स लिव किया, तो ये 1943 में बॉर्न हुआ होगा, है ना। और एस इससे 2 साल पहले बॉर्न हुआ, तो 1941 यहाँ लिखा है ना, एस वॉज बॉर्न 2 ईयर्स बिफोर डब्ल्यू, तो एस हो गया 1941 में। अब इसके टोटल कितने साल हो गए, 41 85, ये हो गया 44, ठीक है। हाँ, अब देखिए, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा कंडीशन, टी वॉज बॉर्न इन 1990 एंड लिव फॉर मोर देन 43 ईयर्स। अब टी अगर लिव फॉर मोर देन 43 ईयर्स है तो बच कौन सा गया 43 के बाद, 44 तो हो गया है, 48 बच गया, 50 बच गया, 57 हो गया, तो या तो ये 48 हो जाएगा या तो ये 50 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इसको 48 लिया तो इसको 1972 में डाई कराना होगा, तो 1972 में अगर डाई किया तो 72 माइनस 19, 1919 है ना, तो 12 में 9 के 3 6 से गया 5, तो ये तो 53 ईयर्स आ जाएगा, तो ये तो आ ही नहीं रहा, तो हम 48 नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे 50, ठीक है, ये वाला लेंगे, तो यानी इसका 50 हो गया, तो 1990 प्लस 50 1969, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वी डाइड 30 ईयर्स आफ्टर टी, अब टी के 30 ईयर्स आफ्टर वी डाई किया है, तो 69 प्लस 30 कितना होता है 99, 1999 में वी डाई किया है, बट वी डजेंट लिव फॉर 43 ईयर्स, यहाँ पर 43 तो नहीं होगा, ठीक है। क्यू डजेंट लिव फॉर 48 ईयर्स, क्यू में 48 नहीं होगा, ठीक है।
अब 48 हो कहाँ सकता है, जो 1972 में डाई किया होगा वही 48 ईयर्स लिव करेगा, तो यहाँ तो डाई ऑलरेडी लिखा है, यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ हो सकता है और कहीं हो नहीं सकता, तो यू ही हमारा हो गया जो 1972 में डाई करेगा और 48 साल जिएगा, तो 72 माइनस 48 करना पड़ेगा हमें, अच्छा 8 गया 4, 6 में 4 गया 2, 1924 में ये बॉर्न हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, अब यहाँ 43 हो नहीं सकता, यहाँ और यहाँ 43 हो सकता है, पर यहाँ लिखा है पी वॉज बॉर्न आफ्टर 1951, तो लेट सपोज अगर हम करें कि पी को हम बॉर्न कराएं 1952 में, ठीक है 52 में बॉर्न कराएं और 89 तक लेके गए तो कितना होगा, 89 माइनस 52 कितना होगा, सॉरी यहाँ 89 माइनस 52 37 ईयर्स, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता 37 ईयर्स लिव करे, और 40 अब बचे क्या क्या थे हमारे पास, 43 के लिए ना, 43 के लिए दो जगह थी, पर अगर 43 भी लेंगे तो ये तो एक्सीड कर जाएगा, तो यानी हमें 37 से कम वैल्यू लेनी है यहाँ पर, पी के लिए इससे तो कम ही होगा, 37 से एक ही कम है तो पी के लिए 26 हो जाएगा, तो अगर ये 26 लिया तो 89 माइनस 26 कितना होता है, 1963 में बॉर्न हुआ होगा, ठीक है। अब हमारा 43 जो है एक ही जगह बच गई, ये तो 23 प्लस 43 सिक्स, चलो 6 1966, ठीक है, अब ये एक ही जगह बच गई और एक ही हमारा है, वो भी बच गया साल कि कितने साल लिव किया, तो ये 40 बच गया है, तो 99 माइनस 40 कितना हो गया, 1959, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो आपने देखा पहले हमने इसको कैसे अप्रोच लिया, हमने ये कॉम्बिनेशन बैठा है कि ये जो 11 इयर्स का है जो कितने साल लिव किए हैं, तो 11 का डिफरेंस कहाँ कहाँ है, दो केस बने, एक ये 26 37 और एक 37 और 48, उससे फिर बाकी कनेक्ट करते गए और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कंटेंट आपके साथ लाता रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़, एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।